आइए, आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक अगर विचार दिमाग में बैठ गया और उसका बिलीफ बन गया तो आदमी कैसा पेशेंट बन जाता है। वो बिलीफ इतना पक्का बैठ जाता है सबकॉन्शियस माइंड में और फिर वहां से आदमी ऑपरेट करता रहता है, और फिर इतना कि फिर घर वालों को लगता है कि अभी पूरा पागल हो गया, अभी इसका इलाज करना चाहिए। तो आइए, हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, पुणे, नागपुर, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है जहाँ मनोरोगों तथा व्यसन लोगों का उपचार करते हैं। अभी ये जो व्यक्ति मेरे पास में आया, उम्र करीब करीब 58 साल की, रिटायर्ड हो गया। रिटायरमेंट के जब पेपर सबमिट किए तो उसने वो पेपर सबमिट के समय उसने अपनी कास्ट जो है वो उसने गलत लिख दिया, उसको ऐसा आभास हो रहा है। हालांकि उसने गलत लिखा नहीं, उसको आभास हो गया कि मैंने कास्ट ही गलत लिख दी और पेपर सबमिट किए। अब उसको यह मन में इतना पक्का वहम बैठ गया कि मैंने कास्ट गलत लिखी हुई है और वो पेपर जाएंगे, वो पेपर जाएंगे, उसकी जांच पड़ताल होंगी, फिर मुझे हो सकता है कि शायद पेंशन नहीं मिलेगी, फिर हो सकता है कि उसकी कंप्लेंट हो जाएगी, फिर हो सकता है कि उसकी पुलिस कंप्लेंट यदि हो गई तो उसको पुलिस भी चले जाएंगे, पुलिस भी चलेगी तो मेरे को जेल में जाना पड़ेगा। अब जेल में गया तो कैसा हूँ, अभी तो मैं रिटायर्ड हो गया, अभी मेरी उम्र हो गई। और उसको विचार जो चालू हो गया, अलग 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 विचार, उसकी नींद खराब, बिल्कुल नींद नहीं ले रहा। फिर धीरे धीरे बहकी बहकी बातें करने लगा, और बातें करने में कुछ भी बातें करना, नींद नहीं आना, खाना नहीं खाना, और पूरा वही विचार कि पुलिस आएंगी, पकड़ लेंगी, मैंने कास्ट गलत लिखी हुई है, अभी क्या होगा। उसको जाके ऑफिस में बता दिया कि नहीं भाई, वो पेपर में बराबर है लिखा हुआ, कोई गलत लिखी नहीं, बनता नहीं, ये पेपर ही अभी गलत है, जो मैंने ओरिजिनल पेपर सबमिट किया था उसमें वो गलत लिखी थी कास्ट। और उसके मन में वो चाल, हमने उसको बहुत ही मतलब घर में मैनेज करना कठिन था, उसको हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया, उसका खाना पीना ठीक नहीं था, उसका करीब करीब 1.5 महीने से ये चल रहा था सब काम, मतलब ये जो लक्षण है ये, उसको विटामिन दिए, आईवी फ्लूइड दिए, उसको दवाई दिया, और उसके साथ में काउंसलिंग किया कि भाई देखो, आपको कैसा भ्रम हो चुका है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैसा बैठ चुका है। बातचीत किया, उसको सपोर्ट दिया, घर वालों ने भी उसके साथ में बातचीत किया, हमने उसको साइकोथेरेपी दिया, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी दिया, बाकी दवाई भी उसकी चालू थी, और दवाई के साथ साथ साइकोथेरेपी देके धीरे 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 7 दिन में वो क्लियर हुआ। उसको ऐसा लगा कि नहीं, मैंने भ्रम कर लिया था, पता नहीं कैसा कर लिया, मगर देखो तो अपना दिमाग कैसे काम करता है मालूम नहीं, ब्रेन कैसा रिएक्ट करेगा, क्या होगा और ब्रेन अपना रिएक्ट करेगा हमको पता रहता है, किस तरह से ब्रेन रिएक्ट करेंगे हमको मालूम नहीं, होता जरूर है कुछ ना कुछ, और फिर हम पेशेंट बन जाते हैं। तो ये हम देखते हैं यदि कि हम हरदम रैशनल थिंकिंग करेंगे, और जो भी मैं थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे, जो भी मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, वो वास्तविकता है क्या, वास्तविकता से रियलिटी से मैं चेक कर रहा हूँ क्या, रियलिटी में वैसा हो रहा है क्या। यदि उसका मतलब रियलिटी चेक करते जाएंगे तो लोगों को रियलिटी चेक ही नहीं रहता, और जिनको रियलिटी चेक नहीं रहता उनको ये प्रॉब्लम आते रहते, मतलब वो रियलिटी से अपना जो थॉट है वो चेक ही नहीं करते, और पहले से उनको हैबिट रहती है और वो अपने ख्याल में रहते, ख्याली पुलाव, तो उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। ये देखना है कि पहले से हैबिट हम यदि करते हैं कि भाई मेरे जो विचार आ रहे हैं, जो भी मुझे हो रहा है, जो भी मैं नॉर्मल है कभी भी, कि उसको रियलिटी चेक है कि नहीं। सिंपल एग्जाम्पल, मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ कि 8 बज गए रात के, तो सच्ची 8 बजे ही गया कि मैं ऐसे कुछ तो भी बोल रहा हूँ। यदि मैं तुमको कल मिलने वाला हूँ तो सच्ची कल मिल सकते हैं क्या कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा उनको रियली चेक नहीं रहता, तो उनको ऐसी परेशानियाँ काफ़ी दिखाई देती। तो रैशनल थिंकिंग, थॉट्स रैशनल करना, रियलिटी चेक रखना, ऐसे यदि हम करते हैं प्रैक्टिस उसकी, तो ये बीमारी नहीं होगी। ये वीडियो आप जरूर शेयर करो लोगों को, आपके फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि वो मालूम पड़ेगा कि हम ऐसी तरह की बीमारी होने से कैसे बच सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे कि आप बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें। हम फ़ोन से भी बातचीत करते हैं, फ़ोन से काउंसलिंग करते हैं लोगों को, काफ़ी सारे हमारे देश के अनेक राज्यों से हमको फ़ोन आते हैं, लोग यहाँ आते हैं, इलाज कर लेते हैं और अपने जीवन में वो अच्छे जीवन जीते हैं, लोगों की तसल्ली रहती है। लोग हमारे यहाँ बिना सरकार के पेशेंट भर्ती करते हैं,
रिश्तेदारों के साथ में भी पेशेंट भर्ती करते हैं, उनका इलाज हम करके उनको अच्छा मानसिक स्वास्थ्य देते हैं। हमारा मिशन एक व्यसन मुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, तो उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा यदि आप ये लोगों तक पहुँचाए शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।